नमस्कार, न्यूज क्लिक की टीम के साथ इस समय हम पहुंचे हैं आजमगढ़ शहर से करीब 30-40 किलोमीटर दूर निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यहां पर हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे युवा संघर्षशील प्रत्याशी से, यहां से लड़ रहे हैं चुनाव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर राजीव यादव, रिहाई मंच से जुड़े हुए हैं। और आजमगढ़ और इस पूरे इलाके को जिस तरह से दक्षिणपंथी ताकतों ने, पूरी पुलिस मशीनरी ने कोशिश करके आतंक का गढ़ बनाने की बात हुई थी बाटला हाउस एनकाउंटर के समय से, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसका एक लंबा प्रतिकार, लंबा आंदोलन उसके खिलाफ चलाया राजीव यादव ने, और इन्हीं मुद्दों को लेकर वह संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। राजीव, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। ये बताएं कि चुनाव लड़ना और अभी तक का जो आपका संघर्ष रहा है इंसाफ के लिए, रिहाई मंच लंबे समय से काम करता रहा है, उसमें कितना अंतर लग रहा है अब आपको? देखिए, मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ बल्कि ये भी आंदोलन ही हमारा, क्योंकि अगर चुनाव में आमतौर पर जो चुनावी मुद्दे कहे जाते हैं वो मेरे मुद्दे वही सुरक्षा का सवाल है, जो रिहाई मंच का कोर एजेंडा है सुरक्षा का सवाल, या किसानों का सवाल, या फिर मजदूरों का सवाल, जो पलायन का सवाल पूर्वांचल का सबसे बड़ा सवाल है, या महिला सुरक्षा का सवाल। तो हमारे लिए ये आंदोलन रहा है, इस पर हम लगातार लड़ते रहे और इस चुनाव में हम इसको आंदोलन के रूप में तब्दील करने की पूरी कोशिश की है। और ये उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में ये वो सीट है जहाँ इस तरह के मुद्दों पॉलिसी लेवल पर हमने बड़े पैमाने पर लाया है और मीडिया ने इसको दिखाया भी है। जिस तरह से जो फर्जी इनकाउंटर रहे हैं, जिस तरह से आतंक के नाम पे नौजवानों की जो गिरफ्तारियां रही हैं वो रहा है, लेकिन जब हम चुनाव की प्रक्रिया देख रहे हैं, अभी मैं बहुत जगह से घूम के आई, ये मुद्दे कहीं नजर नहीं आ रहे। देखिए, नेता क्या है और नेतृत्व और राजनीति क्या है और राजनीतिक दल जो है वो इन मुद्दों पर बात ही नहीं करते हैं। मॉब लिंचिंग, गैंगस्टर, UAPA, गुंडा एक्ट, कट्टर कफील खान NSA में चले गए, ये मुद्दा था, मुद्दा है और मुद्दा रहेगा। और योगी आदित्यनाथ जिनके ऊपर हत्या, बलवा, दंगा के तमाम केसेस हैं और उन्होंने अपराधियों को ठोक देने के नाम पर बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर करवाया है, राजनीतिक दल के लोग कभी भी इन सवालों पर कभी मजबूती से लड़े ही नहीं। उत्तर आजमगढ़ में 13 से अधिक इनकाउंटर हुए हैं, एक नेता बता दें जी जो उनके घर गया हो। मैंने तो इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, अभी कामरान नाम का एक लड़का का इनकाउंटर हुआ था, उसका दांत तोड़ दिया गया था, आँख फोड़ दी गई थी, एकदम खुलेआम साफ दिख रहा था कि उसका इनकाउंटर हुआ, मुक्तारान साहिक नाम का इनकाउंटर हुआ था, न मुक्तारान कहीं गया गए न कोई और नेता गया। तो इस एजेंडे को कोई बात ही नहीं करता है, हमने एजेंडे को बात किया है। और मैं साफ कहूँ कि दलित मुस्लिम में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेकर एक बेहतर समझदारी आई है 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन और नागरिकता आंदोलन के बाद। यह कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों चुनी निजामाबाद, और ये जो पूरा इलाका है ये समाजवादियों का गढ़ है, समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में 6-7 बार से जीत रही है, यहाँ पर भी जिनकी आपसे लड़ाई है वो भी बताया जाता है कि सबसे बुजुर्ग प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, और माना जाता है कि उनका आधार बहुत मजबूत है, तो क्या सोच के आपने ये कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनी? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनने का एक बहुत बड़ा कारण है कि संजरपुर गाँव निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है और संजरपुर गांव के 2 लड़कों को बाटला हाउस में इनकाउंटर में मारा गया। और तब हम जब इस सवाल को उठाते थे लोग कहते थे कि आप मुसलमानों को बचाने की बात कर रहे हैं, हमने कहा नहीं, मुसलमान को बचाने की नहीं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। और आजमगढ़ को आतंकगढ़ जो कहा गया है उसके खिलाफ इस नैरेटिव को चुना और इस नैरेटिव के साथ आज बड़े पैमाने पर लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इस पर बहस हो रही है। नहीं तो आज की डेट में मैं सिर्फ दलित और मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, गुप्ता जी को गोरखपुर में मार दिया पुलिस वाले ने, एक एप्पल एक एरिया मैनेजर को लखनऊ में मार दिया, तो ये सवाल है, लेकिन राजनीति में इस सवालों पे बात नहीं हो रही है। और संजरपुर जो गांव है और निजामाबाद जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये इसके लिए सबसे मुफीद जगह थी और यहाँ पर बड़े आंदोलनों को हमने लीड किया है। संजरपुर में किस तरह से आपके चुनाव को लोग देख रहे हैं? देखिए, संजरपुर जो गांव है, दो साजिद और आतिफ को वहाँ से मारा गया था, वहाँ के 2 लड़के थे और उसके बाद कई लड़कों को जो है वहाँ पर विभिन्न मुकदमों में वो जेलों में है, कई लोगों को सजाएं हुई हैं और कई लोगों को अपस्टैंडिंग में है। तो वहाँ पर इस ये मुद्दा मुसलमान जो एजेंडे का में ये मुद्दा है और मुस्लिम युवा इससे बहुत परेशान है और ख़ास तौर पर सिर्फ संजयपुर का सवाल नहीं, आज बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद CA NRC में जो 23 नौजवान मारे गए और योगी ने कहा 19 दिसंबर को कि बदला लेंगे और 23 नौजवानों को शहीद कर दिया गया, उसके बाद सरजील इमाम, उमर खालिद सैफी भी हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे एजेंडा है,
यहाँ पर हमारे वो भी हैं, मतलब नागरिकता संशोधन कानून वाले पे भी बात कर रहे हैं आप? हम बात कर रहे हैं, हम दिल्ली दंगों पे भी बात कर रहे हैं, भीमा कोरेगांव पे भी बात कर रहे हैं, हम आनंद तेलतुंबडे भी बात कर रहे हैं, गौतम नौलखा पे भी बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो संजयपुर में गाँव में जो मानवाधिकार सम्मेलन करते थे उनमें देश की बड़ी बड़ी शख्सियतें आई हैं, जो प्रशांत राही जो जेल में वो भी आ चुके हैं, तो आज आज हमारे इंटेलेक्चुअल जेलों में कह रहे हैं तो हम उन पर बात करेंगे। एक बहुत सीधा सा सवाल, अक्सर जो आंदोलनकारी हैं वो जब राजनीति में उतरते हैं तो बिल्कुल दूसरा दृश्य हो जाता है, काफ़ी मुश्किलें आती हैं। रिहाई मंच बहुत समय से ज़मीन पे काम कर रहा है, आंदोलन में जिस तरह से अभी आप उतरे हैं, तो क्या जो पहले के मुश्किलें हैं वैसे ही हैं या और बढ़ गई? मुश्किलें कितनी भी हों वो हमारे लिए रास्ता आसान करती हैं। पूंजीपतियों ने भाजपा का विकल्प कांग्रेस को दिया है या कांग्रेस का विकल्प सपा को दिया है, तो हमने जन आंदोलन के लोगों ने रिहाई मंच ने एक विकल्प दिया है उनसे अलग, जनता का विकल्प, जन आंदोलनों का विकल्प, और जनता का विकल्प जनता के साथ रहेगा, पूंजीपतियों के साथ तो नहीं हो सकता। एक और चीज़ जो आपसे जानी है कि इन चुनाव में दिखाई दे रहा है कि जातिगत समीकरण बदले हैं, 2017 से लेकर अभी तक जो चुनाव है, कई लोग और खासतौर से इसे बताया जा रहा है कि पिछड़ों का काफ़ी विद्रोह हुआ, कई नेता जो भाजपा के साथ थे वो तोड़ के समाजवादी के पास गए, क्या आपको लगता है ये जो जातिगत इक्वेशन चेंज हुई है इसकी कोई ठोस जमीनी वजह भी है या लग रहा है कि भाजपा के दिन फिर गए इसलिए लोग चेंज हुए हैं? देखिए क्या है कि बीजेपी ने दो को छोड़ सबके जोड़ कर करके दो दलित और ओबीसी जातियों के खिलाफ एक मुहिम बनाई और सबको एकजुट किया जो है, और एकजुट करने के बाद जो उनके बीच में एक ले जाने की कोशिश किया कि देखिए आपका आपका कोई भी काम नहीं किया जा रहा, आपके हिस्से की मलाई लोग खा रहे हैं, लेकिन जो जो नेता वहाँ पर गए वो नेताओं वो इतने फ्लेक्सिबल हो गए हैं कि सपा ही कांग्रेस है, भाजपा ही कांग्रेस है और सपा ही भाजपा है, बहुत अंतर नहीं रह गया। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य से बात कर ली जाए, अभी उनके ऊपर हमला हुआ, निंदनीय हमला है, लेकिन सवाल इस बात पर है कि जब मौर्य समाज के ही लोग मारे जा रहे थे, जब धरकार समाज के लोग मारे जा रहे थे, जब प्रजापति समाज के लोग मारे जा रहे थे, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हीं के समाज उन्हीं ओबीसी दलित समाज की बात कर रहा हूँ, तब वो कहाँ पर थे? जब नागरिकता आंदोलन में 30 नौजवान हमें शहीद कर दिए गए, दलित आंदोलन में 13 नौजवान शहीद कर दिए गए, तब उनको नहीं याद आई, तब उनके मुंह पे लगाम नहीं लगा था? सवाल इस बात का है, इस पे जान गए, और मैं बता रहा हूँ इस सीट पे तमाम समीकरण धता हो गए हैं, क्योंकि जो आजमगढ़ में जो 13 एनकाउंटर हुए हैं उसमें मुकेश पासी, रामजी पासी, छन्नू सोनकर, मुकेश राजभर, जय हिंद यादव, लक्ष्मण यादव, ये आप टाइटल देख लीजिए, और ये तमाम लोग हमारे समर्थन में सिर्फ आतंकवाद के नाम पर जो कैद किए गए लोग जो छूटे वही नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो एनकाउंटर में जो पीड़ित फैमिलियाँ थी उनके लोग भी लगातार आ रहे हैं, और इस जातिगत समीकरण के तोड़ते हुए जस्टिस समीकरण, रिप्रेजेंटेशन का समीकरण को हमने यहाँ पर स्थापित करने की पूरी भरपूर कोशिश की, और निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी इसका एक बड़ी राइज बन रहा है। चुनाव प्रचार करते हुए काफी दिन हो गए आपको, इससे पहले आपकी भूमिका बिल्कुल अलग रही, 7 तारीख को मतदान है, इस पूरी प्रक्रिया में आपने क्या सीखा लोकतंत्र के बारे में? आपको कुछ लगता है कि नई चीज आपने जो आपको अभी तक आंदोलनकारी के तौर पर नहीं एक उम्मीदवार के तौर पर देखने को समझने को मिली? एक तो फूल की माला है जो लेके आपको चलनी पड़ रही है, इसके अलावा? नहीं देखिए, एक चीज़ मुझे बहुत समझ में आया इस बात को लेकर कि पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी में जो है शोएब साहब ने जब कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए हम लोगों को जो है, तो इसमें हमें दावा करना चाहिए, और भारत आंदोलनों का देश बनता जा रहा है, और दो पहलू 18 का आंदोलन, इसके बाद नागरिकता आंदोलन, इसके बाद किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन की धमक इतनी ज़्यादा है कि जब हमसे कोई पूछता है कि किस पार्टी के आप उम्मीदवार हैं तो मैं बोलता हूँ हम तो आंदोलन के मैदान, तो लोग बोलते हैं किसान आंदोलन, तो मुझे मेरी समझ में सुन भी रही थी, हाँ, तो किसान आंदोलन वाला भी चल रहा था आपका जी, बेसिकली मुझे यही लग रहा है कि अगर हम आंदोलनों के लोग अगर पार्लियामेंटेरियन राजनीति में आए और जिस तरह से आंदोलनों की धमक पूरे हिंदुस्तान में जिससे सुनाई दे रही है, और जो एक साल में किसान आंदोलन ने मोदी को पीछे कर दिया, जो उन्होंने खालिस्तानी और आतंकवादी कहा था, वो आंदोलनों के लोग अगर आए तो पॉलिटिक्स का एक नया नैरेटिव हो सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं कि जो आपकी उम्मीदवारी है वह भाजपा के खिलाफ जो आक्रोश है क्या उसको स्प्लिट करेगी या कैसे आप देखते हैं?
देखिए हम तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को जेल भेजने की तैयारी हमारी पहले भी थी और आज भी है। अगर जनता हमको इस आधार पर वोट दे रही है तो मतलब कि वो जो विपक्ष है सपा बसपा है वो उसको जो सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मतलब मैं तो साफ साफ सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि हमारे लिए एजेंडा भीमा कोरेगांव भी है, हमारे लिए एजेंडा दिल्ली दंगा भी है, हमारे लिए एजेंडा योगी आदित्यनाथ की वो स्पीचेज भी है जिसमें वो कब्र से निकाल के बलात्कार करने की बात उनके लोग करते हैं, एक लड़की के बदले 10 लड़की की बात करते हैं, के बदले 100 को मारने की बात करते हैं, और बड़े पैमाने पर जो लव जिहाद के नाम पर तमाम जेलों में लोगों को कैद कर दिया गया है, आज लड़कियों के अधिकारों को छीन लिया गया है, SC ST के धर्मांतरण के अधिकार को छीन लिया गया है, तीन सवालों को लेकर हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा देखिए लास्ट में बात करूँ कि मैं चार चीज़ों पर जरूर बात कर रहा हूँ, हम इस बात को कर रहे हैं कि सेकुलर दल धर्मांतरण के नाम पर जो कानून है, जो धर्म को किसी धर्म को मानने की आज़ादी है, उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, उसके आधार पर मौलाना करीम सिद्दीकी उमर गौतम को जेल भेजा गया है और लव जिहाद के नाम पर सैकड़ों लड़कों को जेल में डाला गया है, उसकी वापसी की बात किसी ने नहीं की, इतने डरे हुए हैं ये क्या भाजपा से बचाएंगे। और साफ तौर पर मैं कहूँ कि हम याद दिला देंगे इस बात को कि लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा से बचा लेंगे, मुजफ्फरनगर में कहाँ बचा पाए भाजपा से, अखिलेश यादव ने 60 लाशें निकाली, हमने 70 लाशें और निकाल के दिखाई, हमारी 5 साल की लड़की से लेकर 68 साल की वृद्ध तक बलात्कार हुआ, कहाँ पर किस को न्याय मिला। दूसरा सवाल UP को का पड़ा हुआ है, मायावती ने लाया था, हम तो मांग करेंगे ना कि अगर ये सेकुलर दल है तो उसको वापस लें, UPSSF बिना वारंट के किसी के घर में घुस जाएंगे ना, और उसके खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता है, क्यों किसी सेकुलर दल ने इसकी वापसी की बात कही। और रिकवरी ला हम जैसे आंदोलनकारियों के लिए, जो हम लोग कहते थे, घर वाले कहते थे यार तुम तो अपनी जिंदगी तबाह कर दी हो, अब तो कहने लगे कि तुम घर भी तबाह कर दोगे, तुम आंदोलन करोगे और घर वाले कुर्की करेंगे। तो सवाल इस बात का है जो अलीगढ़ में जो बम बारूद चलाया गया पुलिस ने और जो पटना में रेलवे की भर्ती लेकर प्रयागराज तक जो आंदोलन किए, तो क्या रिकवरी ला उनके भी तो लगेगा, मुसलमानों के भी रिकवरी ला थोड़ा लगेगा। इसलिए ऐसी लाश को ऐसे ब्लैक लाश को खत्म होना बहुत जरूरी है और NSA UAPA तमाम जैसे कानूनों की हम मुखालफत करते हैं, करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बताएं कि राजीव के चुनाव लड़ने से क्या आपको लगता है कि क्या बदलाव होगा? देखिए राजीव के चुनाव लड़ने से ये बदलाव होगा कि जो आम जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं वो हमारी राजनीति की बहस में आएंगे। अगर राजीव पहुंच गए विधानसभा तो ये सवाल विधानसभा में उठेंगे, क्योंकि मैं ये कहता हूँ और हमारे सभी साथी सहमत हैं कि सरकार तो अखिलेश की बन रही है, ये दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 6 महीने से 1 साल नहीं बीतेगा हमको इनकी सरकार के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आप याद कीजिए कि बहुत सारे मामले जब केंद्र में कांग्रेस थी और यहाँ पे मायावती और अखिलेश यादव की सरकारें थी तो उसमें भी लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे और इस तरह से आतंकवादी घटनाएं होती रही हैं। तो ये कुल मिला के जैसा शोएब साहब कह रहे थे ये स्टेट का कैरेक्टर है कि उसकी अपनी जो इनसिक्योरिटी है उसको लेके वो इस तरह के फर्जी मामले खड़े करते हैं ताकि वो सैन्य दृष्टि से या सिक्योरिटी की दृष्टि से और ताकतवर बन सके, और फिर उस ताकत का इस्तेमाल किया जाता है जन आंदोलनों को कुचलने के लिए। भारतीय लोकतंत्र के दरवाजे के फाटक जिन मुद्दों के लिए बंद हैं, ठीक तकरीबन उसी तरह से जैसे रेलवे फाटक मेरे पीछे उन मुद्दों को बहुत संजीदगी के साथ उठा रहे हैं राजीव यादव, और इस बार वह विधानसभा में भी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं उन मुद्दों को सामने लाने के लिए, चाहे वो फर्जी एनकाउंटर का मामला हो, चाहे वो बेगुनाह मुसलमानों को या भारतीय नागरिकों को पकड़ने का मामला हो, या फिर CA NRC सहित किसान आंदोलन। ये तमाम मुद्दे आखिर क्यों नहीं बन पाते राजनीतिक मुद्दे, जबकि इनका सीधा सीधा ताल्लुक भारतीय राजनीति से है, और शायद यह पूरी की पूरी जोर आजमाइश कवायद, ये पूरा का पूरा जो संघर्ष या यूं कहिए चुनाव में उतरना, शायद कहीं इन मुद्दों को राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर लाने की एक जरूरत महसूस कराता है।